सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ। और मैं हूँ अनिमा। तो मैं अभी हूँ सुधांशु आश्रम के बाहर। आप लोग देख सकते हैं, ये है सुधांशु आश्रम। कानपुर का बहुत ही फेमस है, मतलब एक बहुत ही अच्छा विजिटर प्लेस है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है ये। बहुत सारे लोग आ चुके हुए यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखा देती हूँ, सुधांशु आश्रम घुमा देती हूँ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों को सुधांशु आश्रम, जो कि बहुत ही अच्छा। तो चलिए घूमते हैं साथ साथ में सुधांशु आश्रम। और ये पड़ता है बिठूर रोड पे, बिठूर रोड पे पड़ता है, थोड़ा सा अंदर है ये, बिठूर की तरफ साईं मंदिर है उससे थोड़ा सा अंदर है। तो चलिए चलते हैं सुधांशु आश्रम घूमते हैं। और अगर मेरे वीडियो थोड़े बहुत भी अच्छे लगते हों तो प्लीज़ यार लाइक शेयर तो बनता है, तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोग मुझे वहाँ सजेस्ट कर पाएँ कि हाँ और क्या देखना चाहते हैं आप लोग कानपुर के बारे में। क्योंकि वैसे तो मैं कानपुर ऑलमोस्ट कवर कर ही रही हूँ अपने तरीके से, सारा कुछ दिखा रही हूँ आप लोगों को, मतलब कानपुर की मार्केट्स हो गई, कानपुर के मेट्रोज हो गए, जो भी है सारा कुछ दिखा रही हूँ। बट फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पे यूट्यूब पे, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब घूमते हैं सुधांशु आश्रम, देखते हैं सुधांशु आश्रम। तो आ चुके हैं अभी हम मंदिर के अंदर, और यहाँ जाने के लिए ना कोई भी टिकट विकेट नहीं लगती है। मतलब मैं आप लोगों को कंफर्म कर देती हूँ पूरी तरीके से कि कोई भी टिकट नहीं लगती है। बस अभी अगर आप जाते हैं कोविड के टाइम पे तो मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना मास्क के एंट्री नहीं है। और हाँ, ये पड़ता है बिठूर में, मतलब अगर कानपुर में घूमने की कोई भी जगह बताई जाएगी, कोई भी जगह अगर होगी तो वो है बिठूर। क्योंकि बिठूर में बहुत कुछ है घूमने के लिए, जैसे कि नाना राव पार्क हो गया, सुधांशु आश्रम हो गया, साईं मंदिर हो गया, गंगा जी हो गया। तो मतलब बिठूर में बहुत कुछ है घूमने के लिए, तो ये पड़ता है बिठूर में। और अगर आप लोग साईं मंदिर गए होंगे तो साईं मंदिर से थोड़ा सा आगे है, और अगर नहीं गए हैं बिठूर में हैं या फिर कहीं बाहर से अगर आ रहे हैं कभी बिठूर घूमने ना, तो किसी से भी पूछेंगे तो बहुत ही ईजिली मतलब लोग बता देंगे कि हाँ सुधांशु आश्रम इस जगह पर पड़ता है। और बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है ये आश्रम घूमने के लिए भी, और क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने के लिए। मैं दोनों बातें इसलिए बोल रही हूँ, घूमने के लिए ऐसा नहीं है फैमिलीज़ भी जाती हैं, सब लोग जाते हैं यहाँ पे। और ऑब्वियस सी थिंग है कपल्स भी बहुत जाते हैं घूमने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो मतलब आप जा सकते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर जाके, बहुत अच्छा लगता है। और ये है देखिए राधा कृष्ण का मंदिर, अभी हम निकल चुके हैं मंदिर से बाहर। मतलब इस आश्रम के अंदर एक मंदिर है जिसको आप लोगों ने देखा, दर्शन किया, मतलब बहुत ही अच्छे राधा कृष्ण और श्री राम वगैरह की मूर्ति है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं मंदिर से निकल चुकी हूँ बाहर, मतलब दूसरे एरिया में जाने के लिए, जो मेन मतलब घूमने के लिए है, देखने के लिए। तो मैं आप लोगों को उस एरिया में लेकर चलती हूँ जहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए ना वीडियो पर बने रहिए, पूरा देखिए वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो चलिए अब चलते हैं, साथ साथ घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को सच्ची में। तो ये देखिए ये पेड़ वगैरह, ग्रीनरी वगैरह कितनी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया हुआ है इस आश्रम को, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये देखिए पहाड़ वगैरह, मंदिर वगैरह, इसको पास से देखिए ना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी आज है सावन का पहला सोमवार, मतलब सावन 2021 वाला सावन, उसका पहला सोमवार। तो चलिए करते हैं सावन में पहले सोमवार को भोलेनाथ के दर्शन, उनकी फुल फैमिली के दर्शन। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखिए, मतलब कितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, ये पहाड़ पहाड़ पे ये पूरा भगवान जी का परिवार बैठा हुआ है, मतलब पूरा शंकर जी का परिवार है। और नीचे ये पानी वगैरह, मतलब इन्होंने ना कैलाश पर्वत है जो उनका मेन घर, मतलब भगवान जी का, उस पर्वत को बनाया है उसको, मतलब उस पर्वत को ऐसा डिज़ाइन किया है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कि ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या आप लोगों को जैसा लग रहा है तो वो आप लोग अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, कौन कौन गया है यहाँ पे, मतलब किसने किसने दर्शन किए हैं, कौन कौन घूमा है, वो भी बताइएगा ज़रूर आप लोग।
तो अभी हम लेकर के चलते हैं आप लोगों को उसी आश्रम में, थोड़ा सा और अंदर, थोड़ा सा और घूमने वाली जगह पे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार की वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मेन मज़ा ना अब आने वाला है। मतलब मेन जो देखने वाली जगह है, देखने वाली चीज़ें हैं ना, तो वो अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं टिकट वगैरह लेने के लिए। तो हमने टिकट ले ली है और ये टिकट पड़ी है मुझे 20 रुपीज़ की। और हाँ, जो अब मैं दिखाने वाली हूँ ना, उसकी टिकट लगती है। मतलब पूरे मंदिर में आने के लिए, पूरे मंदिर को घूमने के लिए आप लोगों को कोई टिकट विकट नहीं लगता है। आप लोग इजीली आराम से आ सकते हैं दर्शन करके, और जितना अभी तक मैंने दिखा है उसको देख करके, घूम करके जा सकते हैं। लेकिन अब मैं जो दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा, और वो टिकट है 20 रुपीज़ का। तो चलिए अब घूमते हैं मेन चीज़ और इन्जॉय करते हैं साथ साथ में। तो अब चलिए चलते हैं गुफा के अंदर और देखते हैं कि क्या है गुफा के अंदर। और ये है मेन गुफा इस आश्रम की, मतलब सुधांशु आश्रम की, जिसके लिए सुधांशु आश्रम जाना जाता है। और ये सच है कि कानपुर में ना ऐसा अभी तक कोई भी यूनिक मंदिर या फिर कोई भी यूनिक विजिटर प्लेस नहीं है जो कि मतलब इस तरह से बना हो, इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो। तो ये सच में बहुत ही अल्टीमेट जगह है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैं आ गई हूँ गुफा के अंदर इस टाइम पर, और मैं एकदम अकेली हूँ। और ना मैं यहाँ पे जो मेरी बैकग्राउंड वॉइस है ना, उसको मैं बिल्कुल भी, मतलब बैकग्राउंड आवाज़ को बिल्कुल भी मैं म्यूट नहीं करूँगी। उसको आप लोग सुनिएगा, बहुत डर लगेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और इस टाइम पे मैं एकदम अकेली थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था देखने वाला, घूमने वाला, तो मुझे तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था। डर लगता है यहाँ तो, पता है हम अकेले हैं एकदम से, कोई नहीं है अभी तो आगे पीछे मेरे।
अग्नि, छोटी सी गुफा और बहुत सुंदर है, बड़ा मजा आ रहा है। तो ये है सुधांशु आश्रम की मेन गुफा, मतलब मेन घूमने वाली जगह, जिसको मैंने बहुत ही ओरिजिनल तरीके से दिखाया है। मैंने इसमें कुछ भी कट वट नहीं किया है, कुछ भी म्यूट नहीं किया है, ताकि आप लोग ना इसको फुल मतलब इन्जॉय कर सको, जो जैसी एकदम है, जैसी फीलिंग्स आती है इसको देखने में, घूमने में। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के कॉमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और ज़्यादा मतलब एनर्जी आती है अच्छे से काम वाम करने के लिए। तो ये देखिए भैरव बाबा, अभी हमने लास्ट में दिखाया था वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी के बाहर और गुफा के बाहर होते हैं भैरव बाबा। तो अब आप लोग भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। तो आ चुके हैं हम बाहर वैष्णो माता की गुफा से दर्शन करके, और बड़ी अच्छी गुफा है, बहुत ही मजा आया। और ये देखिए गुफा का इस तरफ से बाहर निकलने वाला व्यू, और बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है इस वाले आश्रम में। बहुत ही अच्छा आश्रम है, मतलब बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है ये। तो आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो एज यूजुअल रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सब लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि डेल्टा 3 वायरस आने वाला है। तो प्लीज सुरक्षित रहिए सब लोग, और मेरे वीडियोस देखते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, जगह जगह की जानकारी लेते रहिए, और घूमते रहिए सारा मेरे साथ में।